हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हम अपना फ़ोटो को एडिट कैसे करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि फ़ोटो एडिट करने से पहले हमें अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना होता है, और वो कैसे करते हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए हुए हैं। तो आप उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि हम अपने बैकग्राउंड को कैसे हटाते हैं, और फ़ोटो एडिट के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस करना होता है वो मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो उसके बाद जब आपकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं आप, तो उसके बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर। वो ऐप है कैनवा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैनवा ऐप। कैनवा ऐप में आप जब ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे बहुत तरह के टैम्पलेट पाए जाते हैं जिसे आप फ्री में भी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे टैम्पलेट मिलेंगे, लोगो मिलेंगे, योर स्टोरी है, फ्लायर है, पोस्टर है, इंस्टाग्राम स्टोरी है, पोस्टर है, वीडियो है, कार्ड बना सकते हैं, पोस्ट कार्ड बना सकते हैं, फ़ोटो कॉलेज बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड यहाँ पे आप बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, एनिमेटेड सोशल मीडिया है, बैनर है, मेनू है, फ़ोन वॉलपेपर बना सकते हैं, मोबाइल का वीडियो बना सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पोस्टर, सर्कल। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे बहुत तरह के टैम्पलेट मिलते हैं फ्री में। तो आपको जिस भी टाइप का फ़ोटो एडिट करना हो, जिसके लिए भी आप फ़ोटो एडिट कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करने के लिए, तो आप यहाँ से उसको चूज करके आप अच्छे से फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉर यू, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, प्रिंट्स के लिए, वीडियो, मार्केटिंग के लिए, ऑफिस के लिए, आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पे फ़ोटो एडिट करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो इजीली। तो देखिए, सबसे पहले इंस्टाग्राम पोस्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहते हो और फ़ोटो एडिट करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट उठा सकते हैं। पोस्टर है, योर स्टोरी है, फोन वॉलपेपर है, बहुत तरह के यहाँ पे टैम्पलेट आपको फ्री में मिल जाते हैं, फ़ोटो कॉलेज है, यूट्यूब थंबनेल है। तो चलिए हम यूट्यूब चैनल आर्ट, हम यहाँ से एक थंबनेल उठाते हैं। हमको जैसे यूट्यूब पे एक मैंने वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे हमको फ़ोटो एडिट करने के लिए हमको एक फ़ोटो एडिट करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने एक पिक को मैंने चूज कर लिया, यहाँ पे देखिए यह हमारा YouTube के लिए मैंने चूज किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पिक खुल चुके हैं। अब नीचे में देखिए एक प्लस का चिन्ह आ रहा होगा, ये प्लस के साइन पे हमें टच करने हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको ऊपर में जो रिसेंटली यूज्ड आ रहे हैं ये आपका बैकग्राउंड, यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड के लिए कुछ चूज करते हैं कलर, तो बैकग्राउंड या फिर आप सिंपल लाइंस एंड शेप्स में, ऐसे आप शेप्स लाइन भी ले सकते हैं अपने फ़ोटो के लिए, ग्राफिक डिजाइन भी ले सकते हैं, फ़ोटोज भी यहाँ से आप और भी ले सकते हैं, या आप चाहे तो अपना पिक डालना है और कुछ क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए नीचे में टैम्पलेट, एलिमेंट्स एंड गैलरी, तो आपको अपने गैलरी में जाना है और गैलरी में वो फ़ोटो चूज करनी है जिसके बैकग्राउंड हमने ऑलरेडी रिमूव कर रखे। तो देखिए, मैंने अपने एक पिक से अपने बैकग्राउंड को रिमूव किया हुआ है और मैं उसे चूज कर लेती हूँ। देखिए, ये हमारे पिक यहाँ पे आ गए हैं। अब मैं इसे साइड तरफ ले आती हूँ, यहाँ पे मैं इसे ले आती हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। जिस जगह पे पिक थे वहाँ पे मैंने अपने पिक लगा दिए हैं। अब देखिए, ये हमारा पिक यहाँ पे सेट हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं यहाँ पे कुछ वर्ड आ रहे हैं, तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए, इसको आप टच करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो, जो भी आपको डालना हो, एडिट करना, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ फ़ोटो एडिट का, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो एडिट डाल देती हूँ। फ़ोटो एडिट, एडिटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे भी आप कुछ लिखे हुए टेम्पलेट आ रहे हैं, तो मैं इसे भी डिलीट कर देती हूँ। और फिर आपका यहाँ नीचे में भी आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपना लिंक भी डाल सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम के, ट्विटर का, जो भी आपका लिंक हो आप यहाँ पे अपने लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ और भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ।
मैंने यहाँ पे इसे डिलीट कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। अब मैं इसे सेव कर दूँगी। यहाँ से आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर डाल सकते हैं। आप यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, पोजिशन यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी करना हो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंजिंग कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो ऊपर में जो आप राइट साइड में आपको ऊपर में दिखाई दे रहे होंगे एक एरो, वो इस एरो पे आपको टच कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे खुल के आते हैं कि आप इसे व्हाट्सअप सब में शेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। तो मैं सेव करूँगी, तो सेव एज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, फिर इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फ़ोटो डाउनलोड हो रहे हैं। आपको 10 सेकंड लगेंगे, 10 से 15 सेकंड लगेंगे अपने फ़ोटो को डाउनलोड करने में। फिर ये पूरे तरीके से डाउनलोड हो जाएंगे तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी। धन्यवाद।